मैटू बिग बॉस की इस एक्स कंटेस्टेंट के निशाने पर आए जैकी श्रॉफ, कहा उनके लिए इज्जत खत्म। मशहूर मॉडल और छोटे पर्दे के रियलिटी शो बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट डाइंड्रा सोरेस इन दिनों काफी सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने मैटू अभियान का समर्थन करने हुए खुद के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना का खुलासा किया है। डाइंड्रा सोरेस ने मशहूर लेखक सुहेल सेठ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसके अलावा वे मैटू अभियान के तहत बोलने वाली महिलाओं का भी खुलकर समर्थन कर रही हैं। इस बीच डाइंड्रा सोरेस के निशाने पर बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ आ गए हैं। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो डाइंड्रा सोरेस ने जैकी के एक बयान को सुनने के बाद कहा है कि उनकी नज़र में जैकी श्रॉफ के लिए पूरी इज्जत और सम्मान खत्म हो गया है। गौरतलब है कि जैकी श्रॉफ ने बीते दिनों मैटू अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए था कि दोस्त तमाशा बन गए हैं और बाकी लोग इसका मजा ले रहे हैं। जैकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरे साथ काम करने वाले दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, वह अपने दामन में लगे दागों पर लोगों के बीच सफाई दे रहे हैं, बाकी लोग इसमें मजा ले रहे हैं। उनके इस बयान पर अब एक चैनल को दिए इंटरव्यू में डाइंड्रा सोरेस ने कहा है कि जैकी श्रॉफ का यह बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। डाइंड्रा की नज़र में जो जैकी श्रॉफ के लिए इज्जत और सम्मान था वह खत्म हो गया है। आपको बता दें कि हाल ही में डाइंड्रा सोरेस ने खुलासा किया है कि सालों पहले लेखक सुहेल सेठ ने उनके साथ एक पार्टी में जबरदस्ती किस करने की और गंदी हरकत करने की कोशिश की थी। वहीं उनके इस बयान को कई लोगों ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। इस बात पर भी डाइंड्रा सोरेस ने जमकर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगर वह पब्लिसिटी हासिल करने के लिए यह सब करती तो किसी बड़े सुपरस्टार का नाम लेती, सुहेल सेठ का नहीं। गौरतलब है कि डाइंड्रा सोरेस के अलावा मैटू अभियान के तहत लेखिका ईरा त्रिवेदी और फिल्म निर्माता नताशा राठौर ने भी सुहेल सेठ पर यौन उत्पीड़न आरोप लगाया है। अब तक इस अभियान के तहत कई सितारों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लग चुके हैं। आपको बता दें कि डाइंड्रा सोरेस बिग बॉस 10 की एक कंटेस्टेंट में से एक है।